अगर एक किक में बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो तब तो ससुरा और खतरनाक बेइज्जती होती है। मतलब फिर तो ऐसा लगता है कि अगल बगल वाले ऐसे ऐसे देखते हैं, गरीब किक वाला, सेल्फ नहीं है इसके बाइक में। भाई लोग मुझे अच्छे से याद है कि जब अपाची BS6 लॉन्च करी गई तो उसमें सब छोड़िए किक गायब, सब छोड़िए किक गायब, मतलब किक था ही नहीं, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हमारे इलाहाबाद में जब अपाची लॉन्च करी गई तो BS6 मॉडल, तो जब किक नहीं मिला तो लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा यार किक हटाए दिन यार, या का काम मतलब भा बताओ, बैटरी खराब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। भाई देखिए, लोगों के दिमाग में ये चीज है कि यार बैटरी खराब हो गई तो हम किक कैसे, अगर किक नहीं होगा तो हम कैसे बाइक को स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी डाउट्स है दिमाग में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आजकल जो डेली कम्यूट की बाइक आ रही है, मतलब 110 सीसी 125 सीसी वाली, उनमें से भी किक हटाए जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो किक का इस्तेमाल पूरी तरह से हटाया जा रहा है, और ज्यादातर बाइक्स में किक हटाकर ही कंपनियां लॉन्च कर रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों किक हटाई जा रही है, चलिए मैं आपको बताता हूं। उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में आएंगे कि आखिर क्या रीजन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहली रीजन मैं बताता हूँ, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब जरा इसको गौर से आप समझिएगा कि आजकल जो जितनी बाइक्स हैं उसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंपनी लगा कर देती है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का काम क्या होता है कि एक समरसेबल पाइप होता है, समरसेबल पाइप क्या नाम है, हाँ समरसेबल पाइप ही है उसका नाम दिया गया है। वो पाइप आपके जो फ्यूल टैंक होता है वहां से इंजन में कनेक्ट किया जाता है, और फ्यूल इंजेक्शन के माध्यम से जो फ्यूल होता है वो इंजन को इंजेक्ट किया जाता है, दिया जाता है, और वो भी आवश्यकता के अनुसार, जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही दिया जाएगा। वो सारी चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग होती है। अब ये जो पंप होता है ना, इसको चलाने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो जो बैटरी लगी होती है उसी से काम हो जाता है, तो किक की जरूरत पड़ती ही नहीं है। पहला रीजन ये है, मतलब आपने सेल्फ का इस्तेमाल किया, इतना कम वोल्टेज की जरूरत रहती है कि आराम से जो है फ्यूल इंजेक्शन ऑन हो जाता है और काम चीजें हो जाती है। लेकिन दूसरी रीजन इसका सुनिएगा, दूसरा रीजन ये है कि सारी कंपनियों ने जिन्होंने किक हटाया है उन्होंने बैटरी के पावर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। अब वो काफी पावरफुल बैटरियां और प्लस ड्यूरेबल बैटरियां लगा कर दे रही हैं। ड्यूरेबल मतलब ये कि एक बार चार्ज होने के बाद लंबे समय तक वो चलेंगी। तो ये जो पावरफुल और ड्यूरेबल बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये अब जो लगाकर बाइकों में आ रही है, फ्यूल इंजेक्टेड बाइकों में, ये यही काम करती है कि आपकी बाइक की बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है, और आप किसी भी मौसम में हो, खासकर ठंड में, तो भी आपकी बाइक सेल्फ से ऑन हो जाती है, किक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दो रीजन थे, और तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूं। तीसरा रीजन है एडवांस सेल्फ स्टार्ट सिस्टम। अब देखिए, जो पहले का सेल्फ स्टार्ट सिस्टम आता था और जो अब आ रहा है, इन दोनों में बहुत फर्क है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इसी तरह बाइकों में सेल्फ स्टार्ट सिस्टम को बहुत एडवांस कर दिया गया है, जो आपकी बहुत कम बैटरी को कंज्यूम करता है, प्लस जो बैटरी के साथ उसका कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो बहुत स्ट्रांग रहता है, और बैटरी तो पावरफुल अब कंपनियां दे ही रही हैं। तो ये चीज आपको जो है समझ में आ रही होगी। और मैं अगला रीजन आपको बताता हूँ, अगला रीजन आपको समझना चाहिए, वो है डिजाइन। जो आजकल बाइक्स आ रही हैं, इनके डिजाइन पे कंपनियां बड़ा काम कर रही हैं, बड़ी ही शार्प डिजाइन दे रही हैं बाइकों को, एरोडायनेमिक लुक दे रही हैं जो कि रेसिंग अपील को रिप्रेजेंट करे। बहुत सारी ऐसी डिजाइनों में चेंज कर रही है जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार किक यहाँ पर एक अनुचित चीज है, मतलब इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, किक की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। किक हटाती उनको लग रहा है कि यार बाइक अब और ज्यादा एरोडायनेमिक हो गई, और ज्यादा शार्प हो गई। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से किक को हटाया जा रहा है। अगला रीजन मैं आपको बताता हूं, और वो है ट्रैफिक। अब आपने खुद नोटिस किया होगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं ट्रैफिक में, बढ़िया पीछे बोरा ओरा लादे हैं, बढ़िया कहीं पे गए, या फिर आगे कोई सामान रखे ऐसे करके हैंडल पकड़े रहते हैं, आगे सामान रखा रहता है। अब वहां पर अगर ट्रैफिक में अचानक से बाइक बंद हो गई तो ससुरा बेइज्जती तो अलग होती है, और ऊपर से अगर सेल्फ काम नहीं कर रहा है, किक से मारना है तो किक पे जैसे पैर लेके जाओ वैसे आगे वाला सामान ऊपर आने लगता है, गिरने विरने लगता है। और अगर एक किक में बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो तब तो ससुरा और खतरनाक बेइज्जती होती है। मतलब फिर तो ऐसा लगता है कि अगल बगल वाले ऐसे ऐसे देखते हैं, गरीब किक वाला, सेल्फ नहीं है इसके बाइक में। मतलब सही बता रहे हैं, मतलब एक अजीब सा वो आता है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसा ही होता है। कई बार हुआ भी है, आपके साथ भी हुआ होगा कि कहीं पे अगर किक की जरूरत पड़ी होगी और आपने मारने की कोशिश की होगी तो वहां पे
स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो बेइज्जती तो महसूस हुई होगी, अगर हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से किक आजकल बाइकों में से हटाए जा रहे हैं। अब मैं अगर कंक्लूजन पे आऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो कुछ भी हो लेकिन किक मतलब दे देते तो अच्छा रहता यार। स्कूटर्स वगैरह आप जानते होंगे, स्कूटी में तो कभी किक का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता। अगर बहुत रेयर में अगर स्कूटर बहुत पुराना हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, तब किक पे इंसान आ जाता है, नहीं तो बैटरी से सारा काम, सेल्फ से सारा काम हो जाता था। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर एक छोटा सा किक मिल जाता है ना तो दिमाग में एक चीज रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी किक मार के स्टार्ट कर। जब बाइक स्टार्ट नहीं होती ना तुरंत लोग कहते हैं कि यार किक मारो किक स्टार्ट हो जाएगी, होता है ना ऐसा। खैर मुझे ऐसा लगता है कि किक नहीं हटाना चाहिए, दे देना चाहिए यार, पैर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।